हेलो एवरीवन, एच के एजुकेशन गाइड में आपको वेलकम करती हूँ। ग्रामर लैंड स्टैंडर्ड थर्ड का हम चैप्टर 8 देखने वाले हैं। तो जो 8 चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले बता दिया है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप चेक कीजिएगा। अभी हम पार्ट 2 लेंगे जो यहाँ से हमारा बाकी है, क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हमने आगे देखा था डू नॉट और डज नॉट, वैसे ही यहाँ पे डू एंड डज का यूज करके हमें क्वेश्चन में लिखना है। तो हम देखते हैं आगे, डू यू रीड, तो यहाँ पे आएगा यस आई डू या यस आई रीड। ये तो बताया डू डज का, वैसे ही जहाँ डब्ल्यू एच है वो क्वेश्चन वर्ब में, वही क्वेश्चन में ऐसे ही डू और डज का यूज होगा, जहाँ डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन है वहाँ पे। आगे हम एक्सरसाइज में देखते हैं, ब्रैकेट में से आंसर बनाने हैं। फर्स्ट नंबर जैसे दिया हुआ है, वेयर डज योर फादर गो एवरी डे, हर रोज आपके पापा कहाँ जाते हैं, तो उसका आंसर आएगा माई फादर गोज टू द मार्केट एवरी डे। यहाँ मार्केट दिया है तो हमने यहाँ पे मार्केट लगाया है। सेकंड है, व्हेन डज द ट्रेन लीव, तो 8 o'clock दिया है तो लिखेंगे द ट्रेन लीव्स एट 8 o'clock। क्वेश्चन 3, वेयर डज योर मदर लिव, माई मदर लिव इन पुणे। फॉर नंबर डज आंट सुसान स्कोल्ड यू, तो नो आएगा, नो आंट सुसान डू नॉट स्कोल्ड मी। फिर है डू बीज स्टिंग, तो यहाँ पे यस दिया है तो यस बीज स्टिंग। क्वेश्चन 6, डज टॉनी प्ले बास्केटबॉल, तो नो टॉनी डज नॉट प्ले बास्केटबॉल। फिर है क्वेश्चन F, राइट द क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया है उससे हमें उसका आंसर इस तरह से लेना है, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच एक्शन। यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में जो दिए हैं उसमें से हमें उसके क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट का आंसर दिया है यस आउल्स हूट एट नाइट, तो हम यहाँ पे लेंगे डू, डू आउल्स हूट एट नाइट। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है यस ग्रैंडफादर लाइक्स प्लेइंग कैरम, तो हम लेंगे यहाँ पे डज, यहाँ पे लाइक्स दिया है ना, डज ग्रैंडफादर लाइक प्लेइंग कैरम। फिर 3 नंबर है जोस लिव्स इन गोवा, तो यहाँ पे वेयर है तो जोस है वहाँ कहाँ पे रहता है, इस तरह से वेयर डज जोस लिव। फिर है आई स्टडी इन द इवनिंग, व्हेन डू यू स्टडी। फिर है क्वेश्चन 5 का आंसर यस रवि स्टडीज इन क्लास 3, तो हम बनाएंगे यहाँ पे स्टडीज है एस ई एस, तो डज रवि स्टडी इन द क्लास 3। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, डी ओ ई एस। 6 नंबर, आई ईट डिनर एट 8 PM, तो व्हाट टाइम डू यू ईट डिनर, और सबके पीछे क्वेश्चन मार्क की जो निशानी है वो आएगी। आगे देखते हैं, वी समटाइम्स आस्क क्वेश्चंस बिगनिंग विथ WHO, WHT एंड विच, जिसमें हम डू और डज का यूज़ नहीं करते, जैसे कि वो व्हाट और विच जैसे दिए हैं ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसमें हम चेक करते हैं। राइट क्वेश्चन यूजिंग वो व्हाट और विच विदाउट यूजिंग डू और डज। क्वेश्चन 1 है समबडी टीचेस यू मैथ्स, तो यहाँ पे लिखा है आस्क वो, तो कौन पढ़ाता है, व्हिच टीचेस यू मैथ्स। सेकंड है अ बॉय सिट्स नेक्स्ट टू रहमान इन क्लास, तो व्हिच बॉय, तो यहाँ पे आएगा व्हिच बॉय सिट्स नेक्स्ट टू रहमान इन क्लास। 3 नंबर, सम ऑफ यू लाइक एडवेंचर फिल्म्स, तो व्हिच काइंड ऑफ फिल्म डज समवन लाइक, तो यहाँ पे डज का यूज हुआ है। फिर है समबडी लिव्स नेक्स्ट टू द बाइसिकल शॉप, वो लिव्स नेक्स्ट टू बाइसिकल शॉप, इस तरह से।
सब में क्वेश्चन मार्क की निशान आएगी। समथिंग सीम्स टू बी डिफिकल्ट, तो व्हाट है यहाँ पे, व्हाट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, और आगे का जो है वो ऑमिट है। तो यहाँ तक मैंने करवाए हैं और ये एक्सरसाइज देने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।